नागरिकों की सुरक्षा को लेकर नवी मुंबई महानगर पालिका कितनी उदासीन है, इसका नया सबूत पावने में देखने को मिला है। यहां कई महीनों से बने गटर पर ढक्कन नहीं लगाने से लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। देखिए रिपोर्ट। ये सीवरेज लाइन बहुत दिनों से इसका काम चल रहा है। इसमें 6 से 7 लोग गिर चुके हैं। विलंब कार्य जो कि आज से कम 1 साल पहले काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। तस्वीर में दिख रहा नवी मुंबई पावने का यह बिना ढक्कन वाला गटर स्थानीय लोगों के लिए जान का दुश्मन बन गया है। स्थानीय नागरिक बताते हैं कि महानगर पालिका ने यहाँ गटर तो बना दिए, लेकिन कई महीनों से यहाँ ढक्कन तक नहीं लगा है। असल में यह गटर फुटपाथ के तौर पर उपयोग होता है, अब यहाँ पाइपलाइन भी रख दी गई है। ऐसे में स्थानीय नागरिकों को फुटपाथ की बजाय हाईवे से गुजरना पड़ रहा है, जो और भी जोखिम भरा है। स्थानीय नागरिकों ने इस मुसीबत को महानगर पालिका अधिकारियों की उदासीनता करार दिया है, जिनकी वजह से अब तक दर्जनों लोग शिकार हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने इस गटर पर तत्काल ढक्कन लगाने की मांग की है। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये सीवरेज लाइन आज बहुत दिनों से इसका काम चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर महानगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। अभी तक जब से हम लोगों को पता चला है कि इसमें 6 से 7 लोग गिर चुके हैं, लोगों के सहायता से उन्हें निकाला गया है, लेकिन इसके गहराई इतनी ज़्यादा है कि कोई गिर जाए आवाज़ देने के बाद भी सामने वाले को सुनाई नहीं पड़ेगा। महानगर पालिका के उपायुक्त और अधिकारियों से यही अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इस सीवर लाइन को बंद करें। लोगों को आने जाने का ये रास्ता है, कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। वॉकिंग करने के लिए सुबह शाम भी यहाँ पे लोग आते हैं, औरतें आती हैं, इसलिए किसी दिन एक बड़ा हादसा ना हो जाए, इसके लिए अपील करूँगा कि जल्द से जल्द इस सीवर लाइन को बंद करें और इसके ऊपर ध्यान दें। यहाँ पे लगभग 1 साल से सिविल काम चल रहा है। अभी वो काम क्या हो रहा है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन पाइपलाइन वगैरह खुदाई का काम हो रहा है। और यहाँ जो भी संबंधित कंपनी है, अब नगर महापालिका का है या कोई कंपनी का है, किसके अंदर में, हम लोग को नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे सीवरेज लाइन ऐसे ही ओपन छोड़ दिया गया है, और हमारी जानकारी के मुताबिक कम से कम 3 से 4 लोग इस सीवरेज लाइन में गिर चुके हैं। लेकिन बेचारे क्या करें, और इतना गहरा है कि उसमें से अगर कोई आवाज़ ना दे तो निकल नहीं सकता है किसी के सहारे। तो मैं प्रशासन से, नगर महापालिका से दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी विभाग इस समस्या को खड़ा किया है, उसको तत्काल शीघ्र से शीघ्र इसको काम को पूरा किया जाए और उसके सीवरेज ढक्कन को ढका जाए, ताकि कोई बड़ी अनहोनी होने से बच जाए। और मैं सिर्फ इतना कहूँ कि इतना विलंब कार्य जो कि आज से कम 1 साल पहले काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।